लगभग सवा साल पहले 17 सितंबर 2020 को संसद से तीन कृषि कानून पास हुए थे। कानून के संसद में पेश होने के साथ ही इनका विरोध शुरू हो गया था। पूरे देश में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली को घेरना शुरू किया। दिल्ली के तीन बॉर्डरों पर तो किसानों का परमानेंट धरना शुरू हो गया। इसका असर राज्यों के चुनावों पर भी दिखने लगा। पूरे देश में बीजेपी विरोध की हवा बहना शुरू हो गई। जब बीजेपी को सत्ता हाथ से फिसलती दिखी तो यूपी चुनावों से पहले पीएम मोदी ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया। इसके बाद तो सरकार किसानों की सभी मांगे मानती ही चली गई। 17 सितंबर 2020 को संसद ने कृषि कानून पास किए। सरकार इसे वित्त विधेयक के तौर पर सदन में लाई थी, इसलिए उसे सदन में इस पर मोहर लगवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सरकार ने सदन में भले ही विपक्ष के विरोध को दबा दिया, लेकिन सड़क पर किसानों के विरोध को दबाने की हर कोशिश बेकार ही साबित हुई। यूपी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित हर राज्य में किसानों का जबरदस्त विरोध नए कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर दिखाई देने लगा। 25 नवंबर 2020 को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया और उसके दूसरे दिन 26 नवंबर को किसान दिल्ली में जुटना शुरू हो गए। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचे। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को रोकने की बहुत कोशिशें हुई। सड़क खोद डाली गई, किसानों पर पानी की बौछारें की गई, लेकिन किसान आगे बढ़ते ही चले गए। दिल्ली पहुंचे किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की इजाजत दी जाए, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसानों ने दिल्ली के तीन बॉर्डर गाजीपुर, सिंघू और टिकरी पर ही मंच सजा लिए और धरना शुरू कर दिया। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे तो सरकार इसमें संशोधन से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। इस बीच 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि विशेषज्ञों की एक टीम का गठन कर दिया। इस टीम ने 20 मार्च को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। 22 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई थी। सरकार से समझौता नहीं हुआ तो किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने का ऐलान कर दिया। प्रशासन से परेड को लेकर उनका समझौता भी हुआ, लेकिन इस परेड में आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन किसान अपने मोर्चे पर डटे रहे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए 6 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम किया। इसके बाद 6 मार्च 2021 को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन पूरे हुए। जुलाई 2021 में संसद के मानसून सत्र के दौरान किसानों ने भी जंतर मंतर पर समानांतर संसद चलाई। 7 सितंबर से 9 सितंबर 2021 तक बड़ी संख्या में करनाल में किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। बाद में खट्टर सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगें माननी पड़ी। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र का ऐलान हुआ तो किसानों ने संसद कूच का भी ऐलान कर दिया, लेकिन इससे पहले ही 19 नवंबर को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी, जिसे शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद से पास करा लिया गया। इसके बाद सरकार ने एमएसपी, किसानों पर दर्ज किए मामलों को वापस लेने, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने जैसी लगभग सभी मांगों को मान लिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।